हाय दोस्तों, आज आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हमारा जो विषय है, क्या आप अपनी मानसिक क्षमता को दोगुना करना चाहते हैं, इसी विषय पर आज हम आप सभी लोगों से चर्चा करेंगे। और इसके लिए आप मेरा ये वीडियो पूरा देखें। जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तब आपको इस चर्चा का लाभ मिल पाएगा और इस चर्चा को आप समझ पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो की चर्चा को। आजकल हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी मानसिक क्षमता का विकास ज़्यादा हो, और ख़ास तौर पर ये छात्रों के लिए भी परम आवश्यक है, क्योंकि आजकल की जो शिक्षा नीति है, जैसा कि सभी बच्चों के ऊपर पास होने का, अच्छे अंक लाने का दबाव हमेशा बना रहता है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो तनाव में रहते हैं, जो कि कायदे से पढ़ाई भी नहीं कर पाते और असफल होने के बाद कुछ ऐसे भी युवा हैं जो आत्महत्या तक के जैसे घिनौने कदम उठा लेते हैं। आत्महत्या को मैं इस समय घिनौना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक महापाप है, क्योंकि जो हमें मनुष्य जीवन मिला है, तो जब ऊपर वाले ने हमको ये मनुष्य जीवन दिया तो बहुत कुछ करने के लिए भी हम लोगों को दिया है, और वो ऊपर वाला अभिलाषा रखता है एक केवल मनुष्य जाति से ही कि वो अच्छा काम करे, क्योंकि उसने हम सभी लोगों को हर एक चीज़ दी है, माइंड दिया है, हाथ पैर दिए हैं, सारी चीज़ें सारी सुविधाएं उसने हमको दे दी हैं, और हमको आत्मज्ञान भी दिया है। वो आत्मज्ञान जिससे हमारा मस्तिष्क शक्तिशाली होता है, हमारा मन शक्तिशाली होता है, उस आत्मज्ञान को प्राप्त ना करके हम आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं, क्योंकि आत्मज्ञान और आत्महत्या ये दोनों जो शब्द हैं ये आपस में बहुत कुछ कहते भी हैं। आत्मज्ञान आत्मधन ज्ञान, यानी कि अपने आप में ही ज्ञान है, और आत्महत्या यानी अपने आप हत्या, यानी अपने आप की अपने आप अपनी ही हत्या। अब प्रश्न ये है कि सवाल ये उठता है कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, क्या इस दुनिया में आके अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आप आत्महत्या का रास्ता अपनाना चाहते हैं कि आप आत्मज्ञान का रास्ता अपनाना चाहते हैं। तो चीज़ों में से एक को चुनना पड़ेगा। आत्महत्या करना खराब काम होता है, और जबकि आत्मज्ञान की प्राप्ति अगर आपको हो जाती है, पूरी नहीं कर रहे हैं कि 100% आपको हो जाएगी, अगर उसमें से 5% या 4% या 8% भी उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो आपको आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाना पड़ेगा और आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि वैज्ञानिकों ने हमें बताया कि मनुष्य के माइंड में एक चिप लगी होती है, जैसे मोबाइल में एक चिप लगी होती है, वो 2GB की भी होती है, 4GB की भी होती है, 8GB की भी होती है, और 16GB की भी होती है। तो जितनी ज़्यादा जीबी की
चिप होगी उतनी ज़्यादा उसमें गाने यानी आइटम जो भी है गाने हुए फिल्में हुए तो आप भर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार से हमारे दिमाग में भी जो चिप लगी हुई है जो कि हमें हर एक चीज़ का रिकॉर्ड करती है, वो चिप की जीवी जितनी भी ज़्यादा जीवी की होगी वो चिप उतनी ज़्यादा बातें उसमें रिकॉर्ड हो जाएंगी। अब ये है कि उस चिप की जो हमारे मस्तिष्क के पीछे लगी हुई है तो उसको बढ़ाया कैसे जाए। मेडिकल में लाइन में कोई ऐसी टैबलेट नहीं जो उसको बढ़ा दे, या कोई हार्मोन्स बढ़ा नहीं सकता उसको, और भी चीज़ें कोई बढ़ा नहीं सकती उसको, वो आदमी खुद बढ़ा सकता है। क्योंकि पहले इस पुराने ज़माने में हम जब छोटे थे तो टीचर पीछे नहीं मारते थे, यहाँ पर सिर के पीछे अगर कोई टीचर मार देता था तो प्रिंसिपल ये कहते थे कि बच्चे के यहाँ पे मत मारो, कि सारा ब्रेन यहाँ होता है और बच्चे के यहाँ अगर मारोगे तो वो ने इसने जो कुछ भी याद किया है वो भूल जाएगा, क्योंकि चिप यहाँ पे लगी हुई है। अगर चिप यहाँ मार देंगे तो चिप आपकी अपने स्थान से इधर उधर हो जाएगी और वो काम करना बंद कर देगी। जिस प्रकार से मोबाइल में चिप अगर सही से नहीं लगी होती है तो वो काम नहीं करती, उसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर डिसमिस भी थोड़ी हो गई तो वो काम नहीं करती। तो पुराने ज़माने में लोग जो थे बहुत बुद्धिमान हुआ करते थे, आज भी हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आज बुद्धिमान नहीं है, लेकिन तब उनका जो ज्ञान था आत्मज्ञान था और आज का ज्ञान हमको वो हौद वाला ज्ञान है जो पिछले हमने वीडियो में भी आपको बताया था, शायद देखा होगा, नहीं देखा होगा तो पिछले वीडियो मेरे सुन लेना। तो हौद वाला ज्ञान है जो हमें दूसरों से प्राप्त हुए हैं। पुराने ज़माने में लोगों को के पास आत्मज्ञान था और आत्मज्ञान जब भी होगा तो वो अच्छा ही होगा, अच्छे विचारों वाला होगा, खराब विचार आ ही नहीं सकते। तो सारा ज्ञान, सारे ब्रह्मांड का ज्ञान हमारे ही अंदर छुपा हुआ है और हम अपने ही ज्ञान को यूज नहीं कर पा रहे, क्योंकि वैज्ञानिकों ने यह माना है कि मनुष्य अपने जीवन में मात्र 3 से 5% ही अपने दिमाग का यूज कर पाता है पूरे जीवन में, और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बहुत ज़्यादा कर पाएगा तो 10%, इससे ज़्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो जो मेरा 90% जो ज्ञान बचा हुआ है हमें उसका भी उपयोग करना है। तो वो 90% का ज्ञान का उपयोग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो विज्ञान ये मानता है कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन जाती है 100% मान लीजिए ऑक्सीजन गई तो उसका 20% ऑक्सीजन का उपयोग हमारा दिमाग करता है, और 80% ऑक्सीजन का जो प्रयोग उपयोग है वो मेरा शरीर करता है। तो हमें अपने दिमाग को बढ़ाने के लिए मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी कि मुझे ऑक्सीजन मिले, ऊर्जा मिले, जो कि इस समय वायु प्रदूषण की वजह से अन्य वजहों से वो हमें पर्याप्त नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए पुराने ज़माने के लोग ध्यान किया करते थे। भावातीत ध्यान एक ऐसी तकनीक है जो आपके माइंड को दुगनी क्षमता प्रदान करती है।
आपकी जो नींद है उसको भी वो कंट्रोल करती है। वैसे व्यक्ति को कम से कम 6 या 7 घंटे तो नींद लेनी चाहिए। व्यक्ति 7 घंटे तक नींद नहीं ले पाता। अगर वो 9 बजे भी सोने की कोशिश करता है तो 1 घंटे में उसको नींद आती है। और जो शुद्ध नींद जो होती है वो होती है कि हमको मालूम ही ना पड़े कि हम कहाँ हैं। अगर हमको सपने आते हैं और हम सपने देख रहे हैं तो उसे हम शुद्ध नींद नहीं कह सकते। शुद्ध नींद वो होती है जिससे हमें मालूम ही ना पड़े कि हम कहाँ लेटे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, यानी मरणासन अवस्था में, सुषुप्त चेतना में जाना ही शुद्ध नींद कहलाती। तो तब हमारा माइंड भी फ्रेश रहता है, अच्छा रहता है, अच्छे विचार आते हैं, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो भावातीत ध्यान जो है वो आपका यही एक काम करता है कि वो आपकी बची हुई नींद को भी पूरा कर देता है। जब आपकी बची हुई नींद पूरी हो जाएगी तो जो आपके अंदर की जो थकावट है, जो आपकी 6 घंटे या 7 घंटे की नींद से समाप्त नहीं होती हैं, वो थकावट भी आपकी ध्यान से चली जाएगी। तो आपका माइंड अच्छा काम करेगा। दूसरी बात यह है कि जो भावातीत ध्यान है, जो महर्षि महेश योगी जी ने इस ध्यान को पूरे विश्व में फैलाया, इस ध्यान को अमेरिका, इंग्लैंड, आपका हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे देशों में इसको फैलाया। तो वहाँ के लोग इस ध्यान को मानने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि विदेशों के लोग विज्ञान को सबसे ज़्यादा मानते हैं। तो उन्होंने कहा मानेंगे तब जब इसे विज्ञान द्वारा आप प्रमाणित करवा दें। तो महर्षि जी ने उस ध्यान को वैज्ञानिकों के द्वारा प्रमाणित करवाया। तो वैज्ञानिकों ने भी इस ध्यान का उन्होंने अवलोकन किया। एक बिना ध्यान के व्यक्ति को सामने बैठाला, उसका रिसर्च किया। एक जिसको भावातीत ध्यान करवाया गया उसका रिसर्च किया। दोनों में बहुत बड़ा अंतर दिखाई दिया। तब वैज्ञानिकों ने ये माना कि ये जो भावातीत ध्यान है ये वाकई में आपकी मानसिक शक्ति का विकास करता है, आपकी शारीरिक क्षमता का भी विकास करता है, और आपके जो पाचन क्रिया है, जिसको हम पाचन क्रिया जो है उसको भी दुरुस्त करता है। तो इस तरह से भावातीत ध्यान का जो अभ्यास है उसको नियमित तौर पर आप करके अपनी मानसिक शक्ति की जो क्षमता है उसको दुगना कर सकते हैं। क्योंकि महर्षि विद्या मंदिर के भारत में कई जगह पे स्कूल हैं, और उन स्कूलों में छात्रों के लिए भी ध्यान अनिवार्य है। वहाँ के जो टीचिंग स्टाफ है उसके लिए भी ध्यान अनिवार्य है। तो उस ध्यान से उन बच्चों का जो मानसिक विकास होता है और उन टीचरों का भी मानसिक विकास होता है वो अच्छा होता है, और वहाँ के जो बच्चे हैं तो वो पढ़ाई में अव्वल भी आते हैं और संस्कारवान भी होते हैं। क्योंकि जो भी संस्कार या तो माँ बाप दे सकते हैं, और या तो फिर आप संस्कारवान नहीं हैं तो आप अपना ध्यान के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करके संस्कारवान हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं लोग कि यह बताते हैं कि ध्यान करोगे प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। यह भी सच है, प्रभु की प्राप्ति होगी, लेकिन प्रभु की प्राप्ति होने से पहले आपको किन किन चीज़ों की प्राप्ति होगी ध्यान से, ये नहीं बताते।
ध्यान से सबसे पहले आपको उसकी प्राप्ति होती है जो इसमें आप यहाँ पर आप जीवन जी रहे हैं, उस जीवन को सही ढंग से आप जी सके, आनंद से जी सके, तो सबसे पहले उसकी आवश्यकता है। प्रभु की आवश्यकता बाद में है, प्रभु की आवश्यकता, प्रभु तो हमें मिल जाएंगे, अच्छे काम करेंगे, अच्छे विचार रखेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, तो प्रभु हमसे दूर नहीं है। ये प्रभु ने भी कहा है कि जो व्यक्ति चरित्रवान होता है, जो व्यक्ति दानवीर होता है, जो व्यक्ति दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचाता, जो व्यक्ति जीव हत्या नहीं करता, मैं हमेशा उसके पास रहता हूं। ये अपने शास्त्रों में भी लिखा है, गीता में भी लिखा है, रामायण में भी लिखा है। तो उस प्रभु की प्राप्ति के लिए हम कोशिश करते हैं, तो कम से कम हमें ये पहले कोशिश करनी चाहिए कि इस दुनिया में आए हैं तो अपने जीवन को संघर्ष से नहीं बल्कि आनंद से इस जीवन को जी लें। अभी आपके पास ये जो हमारा वीडियो है ये पहुंच रहा है, तो आप इसको सुनिए और ध्यान के अभ्यास में आज से ही जुड़े हैं ताकि आप मानसिक शक्ति का विकास कर सकें और ज़्यादा इस ध्यान को की एक टेक्निक होती है ये, और ये ध्यान सीखा जाता है और इसको कोई भी जो ध्यान शिक्षक हैं आपके, जो महर्षि स्कूल में भी आपको मिल जाएंगे, तो उन अच्छे ध्यान शिक्षक से आप अगर आप ये ध्यान सीखेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, ऐसी मेरी आशा नहीं बल्कि विश्वास है, क्योंकि मैं भी एक ध्यान शिक्षक हूँ। इसके जो फ़ायदे हैं वो मैं खुद महसूस मैंने किए हैं और जो रिज़ल्ट हमको मिले हैं वो बहुत बढ़िया मिले हैं। और जब आप सीखेंगे, इस जब सीखने के समय पर बहुत सी ऐसी बातें हैं वो ध्यान शिक्षक आपको अवश्य बताएंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करके मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और इसी के साथ में हम आपसे विदा लेते हैं। जय गुरुदेव।